आप लोग भी हो यार, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों डिफरेंट है यार, आपकी स्किन इतनी प्यारी क्यों है, वो ये इसका राज बताएं ताकि हम भी अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा प्यारा कर सके। तो गाइस इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपनी रिक्वेस्ट वीडियोस के बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और अगर इस वीडियो में कुछ झूठ बताया जाता है तो आप लाजमी क्लियर करें, वो आप लोग कर सकते हैं क्लियर, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है यार कि आप लोग हमें ना बताएं कि क्या सच और क्या झूठ। तो गाइस अब टाइम नहीं जाया करते, जल्दी से जाना इस वीडियो को ना देखना स्टार्ट करते हैं। और ये है टिपिकल मेल एंड इंडियन, ये हमारे सिब्लिंग्स नॉर्थ ईस्ट इंडियंस और ये है टिबेटियंस। अब नॉर्थ ईस्ट इंडियंस और मेनलैंडर्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फेशियल डिफरेंसेस हैं। आईज ऑब्वियसली छोटी है, एक ब्रॉड फॉरहेड है, ब्रॉड ज़ाइगोमा यानी ये वाला रीजन है, फेशियल फैट्स थोड़ा ज्यादा है और ऑब्वियसली उनका कॉम्प्लेक्शन, लेकिन सिर्फ फेशियल स्ट्रक्चर, ये भी नॉर्थ ईस्ट इंडियन लग रही है, उनकी लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश की लग रही है मुझे, इंडिया से काफी अलग है। ओके, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर क्यों हमारे देश के हमारे ही सिबलिंग्स यानी नॉर्थ ईस्ट इंडियंस मेनलैंड इंडियंस जैसे कम लेकिन टिबेटियन से ज्यादा मिलते जुलते क्यों हैं? क्या ये नॉर्थ ईस्ट इंडियंस जेनेटिकली और एवोल्यूशनरीली बाकी इंडियन से मिलते हैं या नहीं? वेल लेट्स फाइंड आउट। हमारे एंसेस्टर्स आज से करीब 3 से 4 मिलियन साल पहले अफ्रीका से यूरोप गए और फिर यूरोप से एशिया आए, लेकिन अब एशिया में माइग्रेट हुए ये होमो सेपियंस अलग क्यों दिखते हैं, ऐसे क्यों दिखते हैं? लेट्स गेट टू नो इट द साइंस वे। एक अच्छा टॉपिक है यार ये वीडियो का। ये शुरू करने से पहले यहाँ मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि आई नो आज के समय में मंगोलॉइड इस शब्द को लोग एक डेरोगेटरी सेंस में लेते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन किसी को गाली देने का या किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में इस शब्द को सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, जिसके लिए ओरिजिनली ये शब्द बनाया भी गया। सुखे, चलो बैक टू एवोल्यूशन। तो जब हमारे एंशियंट ह्यूमन एंसेस्टर्स जब इन जगहों पर माइग्रेट हुए तो इस एरिया में ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा बहती थी और इसीलिए ऐसे एनवायरमेंट में जिंदा रहने के लिए इन लोगों के अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, कुछ बदलाव है, जैसे एपिकैंथिक फोल्ड्स ऑफ आइस, आंखों के ऊपर मौजूद ये एक्स्ट्रा फैट की परत आंखों को ठंडी हवाओं से बचाती है। ये वेदर के साथ चेंज होती है इंसान की। नंबर टू, छोटी आंखें। अब सफेद बर्फ से ढकी हुई जगहों में होता ये है कि बर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में वापस फेंक देती है, जिससे ऑब्वियसली आंखों को तकलीफ होती है, लेकिन अगर आंखें छोटी हो जाए तो एक टाइम में एक मोमेंट में कम रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंख में घुसेगी। नंबर थ्री, शॉर्ट लिम्स। छोटे हाथ पैर और छोटे कद से सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर की गर्मी जल्दी से शरीर के बाहर नहीं जाती और अंदर से प्रिजर्व रहती है। नंबर फोर, लंबी और चपटी नाक। ऐसे नाक से ज्यादा से ज्यादा हीट फिर से रीअब्सॉर्ब करने में मदद होती है, क्योंकि ऑब्वियसली नोज का एरिया ज्यादा हो जाता है। नंबर फाइव, फैट एंड फ्लैट फेस। चेहरे पर एक्स्ट्रा फैट ठंडी में चेहरे को गर्म रखने में मदद करता है, और वहीं पे एक चपटा चेहरा फ्रोजन फूड खाते वक्त ज्यादा वर्टिकल बाइट फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी ऐसा बाइट फोर्स। So, ये कुछ साइंटिफिक रीजन है कि वही मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मतलब के इसने कोई मतलब के रखा ना अपनी राय, वो एक साइंस ही लिहाज से वैसे देखा जाए तो मुझे भी एक असामी चेहरा चाहिए। उनके साथ काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि ICSSR के एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस पर काफी ज्यादा अटैक्स हो रहे थे और लोग उन्हें खुलेआम वायरस कहकर उन्हें हैरास और उन्हें नागालैंड के 2 स्टूडेंट्स को गोरे गांव में घंटों तक फिजिकली टॉर्चर किया गया और कहा गया कि अगर तुम नॉर्थ ईस्ट वाले लोग यहाँ पर आए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। वो है इंसर्जेंट्स और अंडर डेवलपमेंट। उस एरिया में बांग्लादेश से टेररिस्ट घुसते रहते हैं, वहाँ पे आए दिन तबाही मचाते रहते हैं। एंड टू ऐड टू ऑल ऑफ दिस काफी सारे रीजंस हैं जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट बाकी मेनलैंड इंडिया जितना तेजी से नहीं हो पा रहा है। भाई जो अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना, मैं कहता हूं वो बहुत जल्दी बहुत आगे जाने वाला है। इसकी वजह से वहां पर बहुत बार कई सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट, नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश बनाने के लिए।
लेकिन ऑफ कोर्स वो एक अलग देश नहीं बना एंड इसीलिए यही वजह है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स नक्सलवादी बन गए जो आए दिन इंडिया पे छोटे मोटे टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहते हैं। अब ये कौन से एक्टिविटीज किए हैं, इनका स्टार्ट कैसे हुआ, इनका हिस्ट्री क्या है, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और जानना है आखिर ये मंगोलॉइड फीचर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैसे आए, कि आप जानते होंगे इस एरिया में तो तेज हवाएं नहीं बहती, उल्टा यहाँ पर तो ज्यादातर हैवीली फॉरेस्टेड एरिया, तो फिर यहाँ पर कैसे आए ये फीचर्स। सो वेल, उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि आज के समय में जो ज्यादातर ट्राइब्स इस एरिया में या फिर इस रीजन में पाए जाते हैं वो असल में टिबेट जो कि फिलहाल चाइना के कब्जे में है और साउथ ईस्ट एशियन रीजन जैसे कि प्रेजेंट डे थाईलैंड और म्यांमार जैसे एरिया से माइग्रेट होकर आए हुए ट्राइब्स हैं। वहां से मतलब के माइग्रेट किया ना उन लोगों ने, ईस्ट में माइग्रेट होकर सेटल होने की जरूरत पड़ी। सो वेल, इस माइग्रेशन का सबसे फर्स्ट रीजन है फॉरेस्ट एंड रिवर्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया दुनिया के उन कुछ ब्लेस्ड जगहों में से है जहाँ से ब्रह्मपुत्र जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां बहती, क्योंकि ये इलाका हिमालय से कम हाइट पर है। ये सारी नदियां इस पूरे इलाके को काफी ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा फर्टाइल बनाकर घने जंगलों से भर देती है, और जिसका सीधा सीधा मतलब है ज्यादा खाना और ज्यादा रिसोर्स। हर की इन कंट्रीज से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने का माइग्रेशन का दूसरा रीजन है टिबेट इज अ प्लेटू। अब टिबेट की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो आपको असल में पता चलेगा कि टिबेट तो असल में कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि जमीन से कई हजार फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं बहती। अब हाई ऑल्टीट्यूड, तेज हवाएं और कोल्ड क्लाइमेट के चलते अगर यहाँ के लोगों को उस जमाने में कहीं माइग्रेट करना पड़ा भी होगा तो उनके लिए सबसे प्रेफर्ड स्थान था नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये टिबेट के हायर ऑल्टीट्यूड से कनेक्ट होकर साउथ ईस्ट एशिया के लोअर ऑल्टीट्यूड तक माइग्रेट हुआ ना, उधर से लोगों ने इधर हिजरत की, तब मतलब उनके जो फेस लुक चेंज होते गए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ माइग्रेट होना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट था। नाउ आई नो कि इससे ये साबित नहीं होता है कि यहाँ पर माइग्रेशन हुआ होगा, ये तो हम बस अस्सुम कर रहे हैं कि मे बी एक माइग्रेशन हुआ होगा। इसके कोई रियल लाइफ प्रूफ्स भी हैं जो इस माइग्रेशन की थियरी को जस्टिफाई करते, वैलिडेट करते? वेल यस, प्रूफ्स हैं। प्रूफ नंबर वन, इंटरमिक्सिंग। जब मेनलैंड इंडियंस एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के जेनेटिक स्टडीज की गई तब पता चला कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन मेजर ट्राइब्स असल में टिबेटो बर्मन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके लिंक्स टिबेट और बर्मा या फिर म्यांमार से हैं। अब ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि 1817 से 1826 के बीच में बर्मीज इन्वेजन्स हुए थे, बर्मा ने असम पर कब्जा किया। जब असम पर कब्जा किया, हो सकता है कि तब इंटरमिक्सिंग हुई हो। लेकिन अब वो मतलब कि आपस में चेंजिंग हो गई है ना, हिस्ट्री देखे तो ये पता चलेगा कि इंटरमिक्सिंग इन इन्वेजन से भी पहले से होती आ रही है। यस, राइट फ्रॉम द फर्स्ट किंगडम इन नॉर्थ ईस्ट, द कामारूपा किंगडम जो 350 BC से लेकर 1140 AD तक, ओके यार, टू द लास्ट किंगडम द अहोम किंगडम जो 1228 से लेकर 1826 AD तक था, क्योंकि उस समय ये सारे किंगडम्स उस वक्त के नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर प्रेजेंट डे भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार तक फैले हुए थे। सो ऑब्वियसली उस टाइम के किंगडम में जब आज के प्रेजेंट के सारे कंट्रीज मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरमिक्सिंग तो होनी ही है। माइग्रेशन का प्रूफ नंबर टू, लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। आप यहाँ पर इस पिक में ये देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई सारे ट्राइब्स टिबेटो बर्मन या फिर साइनो टिबेटन भाषा की अलग अलग डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मेघालय की खासी ट्राइब के लिंक्स तो थाईलैंड तक जाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा टिबेटो बर्मन के साथ साथ मोंकमेर और पालोंग जैसी भाषाओं से भी मेल खाती है, जो भाषाएं थाईलैंड और वियतनाम से लिंक्ड है। बट क्या इसका ये मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का मेनलैंड इंडिया में रहने वाले इंडियन से कोई संबंध नहीं है? वेल नो, संबंध तो बनता है, चीजें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस में और मेनलैंडर्स में काफी सिमिलैरिटीज भी हैं। सिमिलैरिटी नंबर वन, कॉमन जीन्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज्यादातर ट्राइब्स भले ही टिबेटो बर्मन बोली बोलते हो लेकिन जेनेटिकली उनमें से कुछ लोगों में अभी भी इंडो मंगोलॉइड जीन्स है, यानी उनमें कुछ जीन्स मेनलैंड इंडिया में रहने वाले लोगों से भी मैच करते हैं। 2012 की बट मुझे नहीं लगता नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के ज्यादातर जीन्स टिबेट, म्यांमार और थाईलैंड के लोगों से तो मैच करते ही हैं, पर साथ ही उनमें नॉर्थ इंडियन लोगों के भी जीन्स के ट्रेसेस पाए गए। ये होगा ना कि इंडियन भी से भी बहुत हद तक जुड़े हुए। सिमिलैरिटी नंबर टू, संस्कृत, प्रकृत और हिंदुइज्म। हाँ, यस, रिलीजन्स आगे मिलता है। 1240 AD तक था और लाहौर किंगडम
जो 600 से लेकर 1565 AD तक था। इन किंगडम्स के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेजरली एक हिंदू किंगडम था और यहाँ पर मेजरली संस्कृत और प्रकृत भाषाओं का इस्तेमाल होता था। यही वजह है कि आज भी इन भाषाओं से इजाद हुए बंगाली और आसामी भाषाओं के अलग अलग डायलेक्ट्स इन एरियाज में आज भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अब फ्लोनर्स जब यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि ये हमारे ही देश का एक हिस्सा है, ये हमारे भाई बंधु है, तो फिर भी क्यों आज बहुत से लोग इन्हें हमारे देश का काफी गलत चीज है। सो इसके पीछे भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन है ब्रिटिश एम्पायर पॉलिसी ऑफ डिविजन एंड कन्वर्जन। ब्रिटिश रूल के वक्त ब्रिटिशर्स ने ये काफी लंबे टाइम से मतलब ये चलकर आ रहा है पर वहाँ पर एंट्री करने पर पाबंदी लगा दी। हुआ ये कि मेनलैंड में चल रही इंडिपेंडेंस की इंटेंस लहर नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच नहीं पा रही। लेकिन इसके ऊपर से ब्रिटिशर्स की चालाकी देखिए, उन्होंने यही पाबंदी क्रिश्चियन मिशनरीज पर नहीं लगाई थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें अंदर घुसने दिया, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो ओरिजिनली एक हिंदू रीजन था वो कल्चरली ही इंडिया से सेपरेट हो गया। कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक क्रिश्चियन स्टेट में तब्दील हो गए। अब इन ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस को डिवाइड करने में भी था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया, प्रोपगेट किया। ये क्यों कुछ नॉर्थ इंडियंस ये ब्रिटिश थे ना, जो अंग्रेज थे उन्होंने बड़ी बड़ी गेम में लगाई फीचर्स में बहुत डिफरेंसेस। अब अगर आपको उस पर एक डिटेल वीडियो देखनी है कि वाई नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस लुक सो डिफरेंट और क्या आर्यन इन्वेजन थ्योरी सच है या फिर नहीं, तो इस पे हम लोगों ने फिल्म में ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में काफी ज्यादा डिफरेंट है। ऊपर आई बटन पे क्लिक जरूर यार। अब आते हैं रीजन नंबर टू पे, जिसके वजह से नॉर्थ ईस्टर्न्स और मेन लैंडर्स में हल्का सा डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल सेपरेशन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेजरली एक पहाड़ी इलाका है और घने जंगलों से भरा हुआ है। और हमारे वो आठो स्टेट्स मेनलैंड इंडिया से बस एक 22 किलोमीटर वाइड चिकन नेक रीजन द्वारा ही कनेक्टेड है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। अब इतने नैरो एरिया की वजह से यूनिटी की सोच और डेवलपमेंट की लहर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से ये आठों स्टेट्स मेनलैंड इंडिया से अपने आप को हल्का सा कटा हुआ महसूस करते हैं। डिस्टेंस का रीजन नंबर थ्री इज पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स ये मेन रीजन हो सकता है ब्रिटिशर्स, लेकिन बट अब जो नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने काफी सारा मतलब नॉर्थ इंडिया में कहते प्रोजेक्ट के मतलब स्टार्ट किए। अब उस दौरान वहाँ के इंडियंस को ये लग रहा था कि शायद इंडिपेंडेंस के बाद तो ये एक्सप्लॉयटेशन वाली पॉलिसीज बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1947 के बाद भी जो इंडिपेंडेंट इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने भी ब्रिटिश कोल जैसे एक्सपेंशन वहाँ से कंटिन्यू रखा, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करवाया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मतलब कि उन लोगों ने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं ना दिया, तो वो वहीं स्टॉप कर गया और जो दूसरी स्टेट थी वो आगे निकल गई। इसके अलावा भी पॉलिटिक्स का अब बहुत आगे जाने वाला नॉर्थ ईस्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलाए गए एंटी सेक्युलर नैरेटिव्स के चलते भी कई सारे लोकल पार्टीज इंडियन गवर्नमेंट को आज भी अपोज करते हैं, क्योंकि आज के समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेजरली क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम को फॉलो करता है। और फाइनली हमारे बीच के ये डिस्टेंस का रीजन नंबर फोर है रेसिज्म, जो सबसे आखिरी और मेन रीजन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के दिलों में एक नफरत पैदा करता है, और वो है मेनलैंड इंडिया के लोगों द्वारा बके गए इनसेंसिटिव कमेंट्स। चीनी, नेपाली, हक्का नूडल, चाओ चाओ, चाइनीज और न जाने कितने सारे नाम। हां ये मतलब कि मेनलैंड इंडिया से मतलब कि उन लोगों ने असमीज नॉर्थ ईस्ट इंडियन को ना मतलब कि हर्ट किया हुआ है, ये काफी गलत है यार, इसको बैन करना चाहिए। बस यार सच में अगर हम कहें ना, हम तो उनको कहेंगे कि यार हमारे साथ वो है, जितने प्यारे लोग हैं, इतना प्यारा कल्चर है। यस बट अभी भी यार वो हमारे ही है, हम चाहे वो इंडिया के साथ। असम वाले जो है ना वो बहुत प्यारे लोग हैं यार। Even after so many differences, आज North East India और mainland India के बीच के differences को कम करने के लिए government क्या steps ले रही है? Well, recent governments काफी सारे steps ले रही है, जैसे कि ये वो सारे projects हैं जिनके लिए फिलहाल budget declare कर दिया गया है via finance minister। और इस सब के अलावा जो चीज़ हम अपने आप से कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप किसी को भी कोई भी North East Indian को देखो या किसी को respect देनी चाहिए, तो प्लीज उस पे कोई भी बजाक होगा, ये एक छोटी सी हाँ, जब हम तो जब भी देखते हैं ना मतलब कि हमारी कंट्रीज में भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो नहीं बट चाइनीज के लोग आते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है, मतलब हम प्यारे लोग होते हैं यार, प्राउड फील होना चाहिए वाकई। अगर आपने भी जाने अनजाने में कभी भी किसी के नेवर यार बके हैं, या फिर और खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि कभी इंडियन आ जाए ना, आप कभी आके ट्राई करें पाकिस्तान में, आपकी सोच बदल जाएगी पाकिस्तान के बारे में। जो भी बात बताई गई वो सही लगी, उसमें कुछ बात लगी। दिस वीडियो वाज अमेजिंग। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया वही फेस कर रहा है जो पाकिस्तान और इंडिया मतलब के फेस कर रहा है, जो पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन
फेस कर रही है ना, जैसे कि वो हमें किसी और टाइम का समझते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और भी डिफरेंसेस पता है या रीजंस पता है कि कैसे हम इसे कर्व कर सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आई वुड लव टू। इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही फ्लॉन के इंफोटेनमेंट ओके गाइस, तो वीडियो इज ओवर। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो, और ये वीडियो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा क्योंकि इसमें काफी अच्छी अच्छी सी टिप्स दी गई इंडिया वालों को। हाँ, इंडिया वालों को ये देखो ना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया यार वैसे तो माशाल्लाह काफी जबरदस्त स्टेट है वहाँ, और लोग मुझे वाकई में बहुत ज्यादा पसंद है। सच में हम तो खुद मतलब कि मैंने कई मरतबा यूट्यूब पर भी सर्च किया, वैसे गूगल पर सर्च किया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग क्या पाकिस्तान में भी कहीं रहते हैं, क्योंकि खुद अगर हमारे यहाँ रहते थे ना, सच में हमने जाके खुद जाके उनके उनके ट्राइब्स के बारे में जानना था लाजमी। तो गाइस अमेजिंग था वीडियो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आई होप सो कि आप लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और करना आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो हम अगेन आएंगे एक नेक्स्ट न्यू